एनआरडीसी के प्रीमियर इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कुछ दिन पहले केमिकल भरे ड्रम गिरने से राजेश साहू नामक श्रमिक की मृत्यु हो गई थी। उस मुद्दे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश सह सचिव कामगार सेल के विशाल मोहन ने उठाया। उनका कहना है कि कंपनी की लापरवाही की वजह से 7 दिन की बच्ची के सिर से बाप का साया उड़ गया। ईटीपी पर काम कर रहे श्रमिक को कंपनी प्रबंधक ने केमिकल के ड्रम अनलोडिंग करने के लिए मजबूर किया, जिस वजह से ड्रम शरीर पर गिरने से राजेश साहू की दर्दनाक मृत्यु हो गई। मृतक श्रमिक का ईएसआई कट रहा था या नहीं, कट रहा था तो क्या कंपनी या ठेकेदार ने उसका बीमा निकाला था क्या, पीएफ, हाजिरी कार्ड, परिचय पत्र, किमान वेतन तथा कामगार कानूनों के अनुसार मिलने वाली अन्य सभी सुविधाएं मिल रही थी क्या। तारापुर एमआईडीसी में लोडिंग व अनलोडिंग का काम मथाड़ी कामगार कर रहे हैं, फिर इस कंपनी में लोडिंग अनलोडिंग का काम कंपनी में काम करने वाले श्रमिकों से क्यों करवाया जा रहा है। कंपनी इंस्पेक्टर व संबंधित विभाग इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करें, वरना जनता आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। नमस्कार, मैं विशाल मोहोड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रदेश सहसचिव कामगार सेल। मी 3/3/2021 ह्या कंपनीला पत्रक दिलं होतं, म्हणजे कंपनीला पण पत्रक दिलं होतं, स्थानीय पोलीस स्टेशनला सुद्धा पत्रक दिलं होतं। प्रीमियर इंटरमिडिटीएस प्रायव्हेट लिमिटेड T55/56/57 इथे कंत्राटी कामगाराला एक केमिकलचा ड्रम पडून त्याची मृत्यू झाली, परंतु हे काम प्रशिक्षित माथाडी कामगाराचं आहे आणि हे मजूर कंपनी मालक एक पैसे वाचवण्यासाठी माथाडी कामगारांना न बोलवता इतर दुसरे जे ठेकेदारी असतात त्यांच्याकडून हेल्पर लोकांकडून कामं करून घेतात। परिणामी इथे राजेश शाहू लोखंडीपाडा राहणार बोईसरचा याचा मृत्यू झालेला आहे, तर फौजदारी गुन्हा आणि मनुष्यवधाचा गुन्ह्याची आम्ही मागणी केलेली आहे। आणि आता आम्ही गेटवर आल्यात तर मॅनेजर आम्हाला सांगतो की मीटिंगमध्ये आहे, तसं सेक्युरिटी सांगतो, तर याला कसा धडा शिकवायचा हे आम्हाला माहीत आहे। तूर्तच सांगतो, जय भारत जय महाराष्ट्र। तर गेट